Hello everyone, I'm Shakti Banerjee and I am a very happy patient of Zenith Clinic. I was diagnosed with gender dysphoria. इसमें क्या होता है कि आपको जब एक निर्धारित लिंग देते हैं जन्म के समय, अगर आपका मानसिक लिंग उससे अलग होता है, इस फैक्टर को कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। और ये डिस्फोरिया ज़्यादातर ट्रांसजेंडर पीपल को होता है और इसके लिए बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन एंड और भी ज़्यादा तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं। जब आप क्या हो आप खुद समझ सकते हो, लेकिन आपके बाहर वाले नहीं समझ सकते। जैसे मानो कि आप जन्म के समय यू वर असाइन मेल एट बर्थ, तो आपको पता है कि आप अंदर से लड़की हो, लेकिन आपको बाहर वाले सब लड़का समझते हैं। सो दिस फैक्टर इज नोन एज जेंडर डिस्फोरिया। अब मैं बिलोंग करती थी कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली से और उधर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो ये क्या होता है कि हम जिन बच्चों को होता है प्यूबर्टी शुरू होने के बाद, जब एक लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ना, तो हम सबको ऐसे फील होना शुरू होता है कि नहीं, हम लोग किसी गलत शरीर में आ चुके हैं। एंड दैट इज़ वेयर यू अप्रोच फॉर रिसर्च। तभी मुझे जेंडर डिस्फोरिया के बारे में पता चला। आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू टेल माई फैमिली एंड फाइनली आई केम आउट एंड मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, आप चाहे तो सेक्स चेंज करवा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करवा सकते हैं। और इस प्रोसीजर के दौरान जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाना होता है। तो आपको इधर दो साइकाइट्रिस्ट या तो एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर आपको काउंसलिंग करवाना होता है। अगर वो देखकर आपको कह देते हैं कि आपको जेंडर डिस्फोरिया या आपकी DSM-5 के दौरान GID है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। दैट इज़ अ की पास फॉर यू टू स्टार्ट योर एंडोक्रिनोलॉजिकल मेडिकेशंस। दैट इज़ आपको HRT के थ्रू जाना होता है। आपके बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स प्रीडोमिनेंट हैं, यानी कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनको रिवर्स करने के लिए हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमको सिंथेटिक हॉर्मोन्स देते हैं, ताकि हमारे जो है हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर, वो आसानी से रिवर्स हो जाए। तो एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और पेशेंस की कमी होने के कारण सेल्फ मेडिकेट करना चाहते हैं, ये कभी ना करें। बिकॉज एक सर्टिफाइड डॉक्टर को पता होता है कि आपके ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तभी आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। आई टुक अ कंसल्टेशन फ्रॉम माई साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट। सो उन लोगों के टाई अप के वजह से आप देख सकते हैं GID से HRT का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। एंड उसके बाद आप चाहते हैं तो आप GCS या SRS यानी कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिग सर्जरी वेयर आपके जेनिटल्स को सर्जरी मेडिकली चेंज किया जाता है टू योर डिज़ायर्ड जेनिटल्स। तो मैंने जब रिसर्च अपना शुरू किया था, तो मैंने कहीं ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप किया था कि आई नीड माई रिक्वायरमेंट्स फॉर GCS सर्जरी। तो मुझे जेनिथ क्लिनिक के इंदौर के मेन ब्रांच से कॉल आया था, उनके अटेंडेंट मिस्टर केवल चौहान से। तो उन्होंने मुझे पूरे प्रोसीजर से मतलब रूबरू करवाया, उन्होंने मुझे पेशेंटली समझाया। मैंने उनको बहुत बार कॉल करके डिस्टर्ब कर किया था, मैंने बहुत पेशेंटली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे समझाया कि ये करना होता है ये नहीं करना होता है, हॉस्पिटल स्टे कितना होता है, कितना चार्जेस होता है। तो आप ज़रूर एक बार जेनिथ के मेन ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डेफिनेटली चेकआउट। ऑल्सो देन मैं आई इंदौर, मैंने टिकट बुक किया, आई डिड नॉट टेक मच टाइम।
I went through the procedure. I spoke to my surgeon, Dr. Sumit Jaiswal. वो भी बहुत patient थे, बहुत calm थे. मैंने अपनी surgery के पहले जो जो questions होते हैं कि what are the complications, मुझे क्या follow करना होता है, उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है. This is a surgery. You have to be strong and this is a very big procedure. You have to be very focused because इसके बाद हमारी life change होने वाली है. आप जो डिज़ायर करते हो वो आपको फाइनली मिलने वाला है. और मेरा सर्जरी 3 मार्च 2022 को हुआ सक्सेसफुल अंडर डॉक्टर सुमित जसवाल एंड हिज ब्यूटिफुल टीम. एंड उसके बाद मुझे 5 डेज रिकवरी के लिए हॉस्पिटल स्टे में रहना था. उसके बाद उन्होंने मेरी अटेंडेंस नर्सेस टीम इज कमेंडेबल. दे आर वेरी पेशेंट, दे आर वेरी लीनियंट विथ यू. वी विल बी एक्सेसिबल 24/7. बहुत अच्छा सर्विस है इन लोगों का. एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग यू विद एवरी पिन टू प्रिक डिटेल्स. एंड उसके बाद मेरा फर्स्ट ड्रेसिंग हुआ. दैट वॉज डेफिनेटली पेनफुल, आई कांट लाइक, बट इट गेट्स बेटर. यही बोल सकती हूँ, विद पेशेंस यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक बात बहुत ज़रूरी है. इस सर्जरी के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होता है. एंड विद अ गुड टीम एंड अ गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, यू कैन डेफिनेटली डू इट. एंड मैंने जब टेस्टिमोनियल सर्च करने के लिए कहा था कि डेफिनेटली आपको यही लगेगा कि मैंने हॉस्पिटल के लिए एक वीडियो बनाया है तो उनके लिए मेरा कोई टाइप हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. दिस इज़ माई पर्सनल रिव्यू. मैं भी जब एक पेशेंट थी आप लोगों के जैसे, मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया था, मुझे भी डाउट्स एंड हैसल्स था. मैंने मतलब कोरा से लेकर रेडिट से बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, यूट्यूब में भी इनका चैनल है, डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल. एंड ऑल्सो बहुत सारे रिपोर्ट्स रिव्यूज़ पढ़ कर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, जेनिथ क्लिनिक इज़ नॉट ओनली अ गुड प्लेस फॉर यू टू गो अंडर योर GCS सर्जरी, बट ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, रीजनेबल एंड अफोर्डेबल सर्जरी सेंटर. तो मेरा तो रिव्यू यही होगा कि आप ज़रूर आइए, आप एक बार अपना चेकअप करवा लीजिए, आप पूरे मेंटल प्रिपरेशन से पूरा प्रोसीजर फॉलो कीजिए, सेल्फ मेडिकेट ना करें, प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस ही ले और आकर रिवर्स सर्जरी करवा कर रिकवर होके हैप्पी लाइफ लीड करें. थैंक यू.